हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा मास्टिक स्फाल्ट, कोल्ड मिक्स, जियो टेक्सटाइल की टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है, और जो मास्टिक स्फाल्ट हम ब्रिज के ऊपर डालते हैं या कि जो रोड बनती है उसमें, तो उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको जानने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्शन 900, उसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में 9 नंबर जो दिया है, तो उसमें मास्टिक स्फाल्ट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि क्वालिटी ऑफ पॉइंटर जो चेक करेंगे वो डी वेज पर, जैसे DPM का करते हैं हम उसी तरह से इसका भी मास्टिक स्फाल्ट चेक करेंगे। जैसे जिस तरह की फ्रीक्वेंसी DPM में दी हुई है उसी तरह मास्टिक स्फाल्ट के लिए भी दी हुई है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट और लॉस इन जेलिब्रेशन वैल्यू टेस्ट भी हम DPM के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग करेंगे। कंबाइंड फ्लैकनेस एंड इलॉन्गेशन इंडेक्स ये भी DPM की तरह ही हम फ्रीक्वेंसी की तरह इसका टेस्ट करेंगे। और जो स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट रहेगा दोस्तों इसमें मास्टिक स्फाल्ट में, उसका 1 टेस्ट करते हैं ई सोर्स के लिए। यदि सोर्स चेंज होता है तो फिर से हमको एक बार उसका टेस्टिंग करना है। इसके बाद वाटर सेंसिटिविटी ऑफ मिक्स, ये भी हम DPM की फ्रीक्वेंसी की तरह ही टेस्ट करेंगे इसका, जिस तरह DPM में करते हैं। उसका वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। इसके बाद दोस्तों इसमें ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट यूज करते हैं मास्टिक स्फाल्ट पे, तो वो उसकी ग्रेडिंग क्या रहती है, वो 2 टेस्ट पर डे पर प्लांट ऑन द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट एंड मिक्स्ड एग्रीगेट फ्रॉम द टायर। तो दोस्तों जो ग्रेडिंग हमको करना है वो 2 टेस्ट करना है ग्रेडिंग की पर डे, और प्लांट में करना है इसकी ग्रेडिंग 2 टेस्ट। और वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट जो चेक करेंगे वो DPM की तरह, DPM की फ्रिक्वेंसी की तरह हम करेंगे। साउंडनेस टेस्ट जो करेंगे और परसेंटेज ऑफ फ्रैक्चर फेसेस टेस्ट जो करेंगे वो भी DPM की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं बाइंडर कंटेंट भी हमको जो बाइंडर कंटेंट एंड एग्रीगेट ग्रेडिंग जो इसमें करेंगे वो ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स सर्फेसिंग के बारे में जो बताया था मैंने, वो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे हम इसमें भी मास्टिक स्फाल्ट में। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर बाइंडर एंड एग्रीगेट ऑफ मिक्सिंग एंड ऑफ द मिक्स एट द टाइम ऑफ लेइंग एंड रोलिंग। इसका जो टेम्परेचर हम चेक करते हैं वो भी रोलिंग टाइम पे, मिक्सिंग टाइम पे, लेइंग टाइम पे, वो एट रेगुलर क्लॉज इंटरवल्स में हमको करना है। रेट ऑफ स्पीड ऑफ मिक्स्ड मटेरियल जो करें हम जब इसमें मिक्स्ड मटेरियल यूज करेंगे जो, तो रेगुलर कंट्रोल थ्रू द चेक ऑफ लेयर थिकनेस, उसकी लेयर भी थिकनेस चेक करना है हमको रेगुलरली, उसमें थिकनेस चेक करना है। और हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हार्डनेस नंबर चेक करने के लिए हमको मिनिमम 2 टेस्ट पर डे करना है इसमें मास्टिक स्फाल्ट में दोस्तों, देख सकते हैं। इसके बाद अपना आता है रिसाइकल मटेरियल ग्रेडिंग ऑन एग्रीगेट, तो इसका 2 टेस्ट पर डे करना है हमको। और इसके बाद कोल्ड मिक्स का जो टेस्ट करेंगे हम वो ऑल टेस्ट एज पर सीरियल नंबर 5 मतलब DPM के अकॉर्डिंग करना है, DPM की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमको करना है टेस्ट। और जो क्वालिटी ऑफ मॉडिफाइड बाइंडर करेंगे वो नंबर ऑफ सैंपल पर लॉट टेस्ट एज पर IS 15462 के अकॉर्डिंग करेंगे। और जियो टेक्सटाइल का जो करते हैं हम, रिक्वायर्ड्स ऑफ सेक्शन 700 में आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा हमको जियो टेक्सटाइल की पूरी फ्रिक्वेंसी दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से मास्टिक स्फाल्ट की लेइंग होती है और जियो टेक्सटाइल को किस तरह से स्पीडिंग करते हैं, स्पीडिंग का वर्क किस तरह से किया जाता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जियो टेक्सटाइल के बारे में आपको देखना है तो मुहूर्त में सेक्शन 700 में आप जाएंगे तो उसमें जियो टेक्सटाइल के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा।